नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, मैं हूं आपके साथ हिना। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दल भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब सपा जेल में आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर के मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी से की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक साल के बाद क्यों अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को आजम खान की याद आ रही है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव सूबे में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार के शिकंजे में कसे आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अब सपा प्रमुख अखिलेश ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। वहीं बीजेपी ने इसे मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स करार दिया। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर दिखाते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20-30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजे को खासा प्रभावित करते हैं। बरेली के बाद से रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों में मुसलमान वोटरों की संख्या 35-45% है। ऐसे में अखिलेश का निशाना पश्चिमी यूपी में जनाधार को मजबूत करने का है। लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दर्जनों मामलों के आरोपी और जेल में बंद आजम के समर्थन पर खुद अखिलेश को उतरना पड़ा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से रामपुर से साइकिल रैली अखिलेश यादव ने निकाली और साइकिल रैली निकालते हुए अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब जब साइकिल चली है तब तब सत्ता पलट हुआ है और 2022 में सपा की ही सरकार आने वाली है। तो मिशन 2022 को लेके, जिसमें समाजवादी पार्टी की टैगलाइन 22 में बाइसिकल को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और अखिलेश यादव इसको लेकर रामपुर पहुँचे थे, जहाँ पर रामपुर में कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की, बातचीत की, जीत का मंत्र उन्हें दिया और आगे की विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में अखिलेश यादव जुट गए हैं। और उन पर सरकार की तरफ से पलटवार भी हुआ। अखिलेश यादव के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 147, 342 और 323 में अखिलेश यादव के ऊपर FIR दर्ज हुई और इस FIR के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला, जहां पर वार और पलटवार का सिलसिला जारी रहा। अखिलेश यादव ने सरकार पर कई सारे वार किए। अखिलेश यादव ने ये कहा कि FIR उन पर होना सरकार का डर दिखा रहा है, नाकामी दिखा रहा है और इस FIR की बड़ी होर्डिंग वो लखनऊ में लगाएंगे। ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कह डाली। रामपुर पहुंचे थे, आजम खान के परिवार से उन्होंने मुलाकात की, रामपुर में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की, जीत का उन्हें मंत्र दिया। पूर्वांचल को ज़्यादा फोकस करने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं और उनके दौरों की शुरुआत हो चुकी है और साइकिल रैली से आने वाले चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों पर पहुंच गई हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ये मंत्र दे रहे हैं कि 2022 में किस तरीके से चुनाव लड़ना है और 2022 में सपा की सरकार आए इसके लिए क्या कुछ कोशिशें उनको करनी है। तो साइकिल यात्रा निकालते वक्त खुद अखिलेश यादव ने 11 किलोमीटर साइकिल भी चलाई जब वो रामपुर में मौजूद थे। तो कुछ पत्रकारों से अखिलेश यादव की टीम के लोगों के, उनके समर्थकों की झड़प हो गई, जिसको लेकर अखिलेश यादव को जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके उससे भी गुजरना पड़ा। FIR हुई अखिलेश यादव के ऊपर 3 धाराओं में, जिसमें IPC की धारा 147, 342 और 323, इन तीनों धाराओं में अखिलेश यादव के ऊपर FIR हुई, जिसको लेकर आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ी चीज देखने को मिली, पोस्टर वॉर देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई जिसमें अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की तस्वीरें थी और उन होर्डिंग्स में
साफ तौर पर लिखा हुआ था कि एक के ऊपर मुकदमे लगाए गए और एक के ऊपर हटाए गए। तो ये तंज कसते हुए ये होर्डिंग लगाई गई थी राजधानी लखनऊ के एक प्रमुख चौराहे पर। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक तीखी लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सत्येंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां बिगुल फूंक चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो टक्कर जो है एकदम कांटे की है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, जिसको लेकर अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं। रामपुर पे पहुंचे, वो साइकिल यात्रा वहां से निकाली, उन्होंने कहा जब जब साइकिल चली तब तक सत्ता पलट हुआ है, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन एक सवाल जो अब सरकार द्वारा उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, वो ये कि एक साल बाद आजम खान की याद उन्हें क्यों आई, क्या कहेंगे? देखिए, एक साल बाद आई, या मैं कहूंगा कि अगले चुनाव से एक साल पहले याद आ गई। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हिना जी कि ये बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि इस वक्त जो आजम खान साहब हैं वो मुसीबतों से फंसे हुए हैं। उनके बेटे जो हैं वो भी उनके साथ में सीतापुर के जेल में बंद हैं। लेकिन ये भी देखिए कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ पे समाजवादी पार्टी का वो एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है और इसका वो पूर्व में एहसास भी करा चुके हैं। याद करिए, जब लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में भाजपा की लहर थी, मोदी जी की लहर थी, उस वक्त आजम खान ने न केवल चुनाव जीता बल्कि मंडल में संभल और मुरादाबाद लोकसभा सीट के परिणाम भी पक्षी पार्टी के पक्ष में कराने में कामयाब रहे। तो लबुलवाब ये है कि उनका जो अपना होल्ड है आजम खान साहब का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी वजह से अगर आप देखें तो रामपुर जनपद की जो चार विधानसभा सीटों में से तीन, जैसे रामपुर, सुवार और चमरौआ, वहां पर वो जीत हासिल कराने में मतलब सफल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनका कि इतने केसेस के बावजूद, भाजपा लहर के बावजूद भी अगर वो वहां से सीटें निकलवाने में सफल रहते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई भी इसको लूज करना नहीं चाहेंगे। और अखिलेश यादव जी एक साल पहले इसके ऊपर कवायद शुरू कर सकते हैं। अगर इस एंगल से देखा जाए तो उनकी अगले विधानसभा में एक अच्छी चुनौती पेश कर सकते हैं। वही सत्येंद्र जी, मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें, आने वाला चुनाव में जाहिर तौर पर तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरे प्रदेश को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वोटर्स में बांट कर देखती हैं। पश्चिमी यूपी की हम बात करें, बड़े स्तर पर मुस्लिम वोटर्स का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना पहला दांव यूं कहें खेल चुकी है साइकिल यात्रा के जरिए। बिल्कुल है, और पश्चिम में खासतौर से इनका जो पूरा इटावा के आसपास के जो भी एरिया है वो वहाँ पे उनका अच्छा खासा होल्ड है। और पूर्व में अगर आप देखें तो आजमगढ़ और ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पर कि डेफिनेटली यहाँ पे मुस्लिम वोट डेफिनेटली ज्यादा है, तो वहाँ पे भी उनका पिछली बार चुनाव याद करिए कि वहाँ से लड़ा हुआ था। तो जहाँ जहाँ भी मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा मिलता है वहाँ पे डेफिनेटली जो सीट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सपा वहाँ पे उतारती है और एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज उनका बना हुआ है उस सेगमेंट में, अल्पसंख्यक समुदाय में। तो इस पर ये हमेशा से बनाने की कोशिश करते रहे हैं। और क्योंकि जब आप देखते हैं कि भाजपा को एक प्रकार से ये माना जाता है कि हिंदुत्व या हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है तथाकथित तौर पे, तो वैसे ही यहाँ पर सपा को भी एक मुस्लिम वोटर्स का चेहरा या एक पार्टी मानी जाती है और एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज उनको डेफिनेटली इसमें मिलता है। आप कैंडिडेट्स देखिए कितने कैंडिडेट्स वोट आते हैं, तो नॉर्मली ओबीसी कैटेगरी या फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही ज्यादा इनके तरफ से निकलते रहे हैं पूर्व में देखा जाए। तो उस हिसाब से ये अपना एक डेफिनेटली कार्ड खेल रहे हैं। और जो भी भाई यहाँ पे वोट चाहिए तो जिस भी पैरामीटर पे आप उस चीज को टैप कर सकते हैं उसी हिसाब से पार्टियां जो है अपना अपना रणनीति तैयार करती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सपा जो है उसी एंगल से मेरे ख्याल से तैयारी कर रही है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, वहीं 2022 के चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो एक कदम अगर समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया है तो कई कदम बीजेपी भी हर रोज बढ़ाती है। और बीजेपी की अगर बात करें प्रदेश में जिस तरीके से, या जैसे कि अक्सर हम बात करते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और हर वक्त नहले पर दहला देने के लिए तैयार रहती है, तो आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर इस समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में उत्तर प्रदेश में होने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष अगर आप देखें तो यहाँ पर भाजपा और सपा के बीच में बहुत अच्छी खासी टक्कर हो रही है, क्योंकि बसपा का उतना प्लेयर आप नहीं देख रहे होंगे और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं झील दवाली में चलती रहती है और उनके अपने अंदरूनी कलह भी आपको स्पष्ट दिखे होंगे।
तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो टक्कर है वो बेसिकली आपके सपा और भाजपा के बीच में ही है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि अग्रेसिव मोड पर या जिस तरह से पूरे साल वो चुनावी मूड में रहते हैं भाजपा, तो ऑब्वियसली वो एक देशव्यापी पार्टी बन गई है। आप देख रहे हैं कि लगातार दो टर्म उनको इलेक्शन में लोकसभा में मिले, फुल मेजोरिटी सिंगल पार्टी से मिलकर आ गया। इसी तरह से आप देख रहे आज अभी हम लोग अगले इलेक्शन 22 की यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके पूरे के पूरा जो स्टार जो कैंपेनर्स हैं वो असम से लेके तमिलनाडु से लेके सारे जगहों पे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक फर्क ये भी पड़ता है कि जब केंद्र में सरकार किसी पार्टी की होती है तो उसके समकक्ष जो यह प्रदेश सरकार बनती है तो एक फेडरल सिस्टम में एक बड़ा अच्छा उनके बीच में ताना बाना बनता है जिसका एडवांटेज मिलता है। तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास कार्यकर्ता बहुत है, बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, फंड्स भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो वो उस अग्रेसिव नोट पे काम करते हैं। और 22 के बाद में आप देखिएगा ये जब 24 का लोकसभा इलेक्शन होंगे उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे पीछे ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता ऑलरेडी उस मोड में भी आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट कैंपेन्स के तौर पे भाजपा चलती है और ये उनकी अपनी रणनीति है, तो उसी हिसाब से वो आगे बढ़ती है। हाँ, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में सपा उनको एक अच्छा खासा टक्कर देगी। सपा के जितने ज्यादातर कार्यकर्ता युवा हैं, ये एक अच्छा फैक्टर उनके पास में है, तो अगर उसको प्रॉपरली टैप करें और उसके अंदर में वो जोश भरने में अखिलेश यादव जी सफल रहे तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी टक्कर भाजपा को मिल सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में। कपिल जी, जिस तरीके से रामपुर से साइकिल यात्रा निकाली अखिलेश यादव जी ने और साइकिल यात्रा निकालने के बाद जो भूचाल हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में वो भी हमने देखा, किस तरीके से FIR भी हो गई, पत्रकारों के साथ नोकझोंक भी बड़े स्तर पर हो गई। लेकिन एक सवाल जो लगातार इस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियां जो आपके लिए हैं वो उठा रही, वो ये कि आप एक साल बाद क्यों आजम खान की याद आई अखिलेश यादव को, आपके आने वाले चुनाव के लिए मुस्लिम वोटरों को रुझाने और उनको अपने सपोर्ट में करने का ये चाल चली जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश समाजवादी अध्यक्ष अपने बुजुर्ग आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी से समाजवादी पार्टी देखिए याद उसे किया जाता जो अपने दिल से दूर सत्ता के अधिकार लेके। हकीकत यही है, ये आवाज कैसी आ रही है? जी कपिल जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज वापस हो रही है। चलिए मैं PCR से अनुरोध करूंगी कपिल जी को फिर से। जी कपिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आपको हम सुन पा रहे हैं। जी कपिल, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए याद उन्हें किया जाता है जो अपनों से दूर हो, दिल से दूर हो, लेकिन जो व्यक्ति क्या स्वयं वो पार्टी के फाउंडर है, जो जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जो फाउंडर मेंबर है, अब अगर वो फाउंडर मेंबर है तो वो हमसे कहां से दूर हो सकते हैं? ये तो विपक्षी दल या सत्ता पक्ष जिसे राजनीति करनी है वो दिखावे की राजनीति में है। कभी उन्होंने या उनके परिवार ने कहा कुछ? और उनके परिवार से चाहे तंजीम फातिमा मैम हो या उनके पुत्र हो, वो सारे लोग हमारे जन प्रतिनिधि हमारे ही पार्टी से हैं, क्यों दूसरों को दिक्कत आ रही है इस बात से? तो दिक्कत इस चीज की हो रही है। हेलो जी कपिल जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए। हाँ, आवाज आ रही है। कपिल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी कंटिन्यू करिए कपिल जी। देखिए हम ये कह रहे हैं सीमा जी कि विपक्षी दल जो हमारी पार्टी से अलग है या सत्ता पक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो तो एक राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति है। दूसरे के घरों में झांकने की कोशिश, और वो भी ऐसे घर में झांक रहे हैं जो उसका खुद का है। कोई फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब, और आजम खान साहब अगर फाउंडर मेंबर है तो आप खुद इस बात पर सोच सकती हैं
कि उनको याद करना और दूर रखना कौन सी बात होती। जो व्यक्ति आपसे दूर हो उसे आप याद करते हैं, जो आपके दिल में रह रहा हो, आपके साथ रह रहा हो, आपके सेकंड बाय सेकंड उसकी नीतियां, उसकी रीतियां, उसके लोग आपके साथ बने हो, तो उसमें कौन सा मामला उठता है। बात इस चीज की रह गई कि जब आप योगी सरकार अचानक 11 में चार्जशीट लेकर के आ जाती है तो क्या बात नहीं करनी पड़ेगी। बात तो करनी पड़ेगी और ये बताना भी पड़ेगा कि जो कैबिनेट के फैसले हुए, अगर योगी सरकार उन कैबिनेट के फैसलों को पलट करके और जो कहती है कि ये जमीन गलत तरीके से ली गई, पहले तो योगी सरकार यही क्लियर कर ले कि किसानों से जो जमीन एक्वायर्ड हुई वो उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत की या आजम खान सर ने की, ये तो उनको क्लियर करना चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का एक फैसला आप बदल रहे हैं तो आपको भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि जब भविष्य में आपकी सरकार नहीं होगी और हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल फिर वो इन सारी चीजों को हम लोग वहां पर स्थापित करेंगे रामपुर के अंदर, और जो उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक एशिया के टक्कर का एक विश्वविद्यालय का सपना जो उन्होंने देखा था, जो बना था, जो निर्माण हुआ, जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, उनके भविष्य को जो चकनाचूर किया भारतीय जनता पार्टी का, उस पर ये सबक इस प्रदेश की जनता उनको सिखाने जा रही है, वो 2022 में भी सिखाएगी और इस पंचायती चुनाव में भी। कपिल जी, तो क्या रामपुर से साइकिल रैली निकालना कहीं ना कहीं एक तरीका था मुस्लिम वोटों का ध्यान आकर्षित करने का अपनी तरफ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुस्लिम वोटों से क्या मतलब है, हमें तो प्रदेश के हर एक जनता का वोट चाहिए, हमें तो एक एक जनता का वोट चाहिए। इसमें ये चीज तो हो ही नहीं सकती कि हमें इसका चाहिए उसका नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक भी हमारे हैं, बहुसंख्यक भी हमारे हैं, दलित भी हमारे हैं और ओबीसी भी हमारे हैं, सवर्ण भी हमारे हैं, हम या कोई भी दल इसको अलग नहीं कर सकता। तो ये जो कवायद आप देख रहे हैं ये प्रदेश की जनता और प्रदेश के आवाम के लिए है, उन्हें हम धर्म के चश्मे से बांटकर, जाति के चश्मे से बांटकर नहीं देख सकते और न देखते हैं। कपिल जी, आने वाले चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी जानती है कि बीजेपी की जमीन किस तरीके कितनी मजबूत है और कितने बड़े स्तर पर चुनावी मोड में बीजेपी पार्टी हमेशा रहती है, चाहे अब आने वाले पंचायत चुनाव की बात कर लें या उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात कर लें, ऐसे में क्या लगता है आपको किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे आप आने वाले विधानसभा चुनाव में, कैसे उत्तर प्रदेश के वोटरों को आप अपनी ओर कर पाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकारें बनाई और 2012 से लेकर 2017 में जो हमारी सरकार चली और उसमें जो विकास परक नीतियां अपनाई और न्यायप्रिय ढंग से इस प्रदेश का विकास किया और चक्रमुखी विकास किया, कि जिसका आज भी शिलान्यास का शिलान्यास और क्या बोलते हैं फीता काटने का काम योगी सरकार कर रही। हमने जो MOU उस समय सिग्नेचर किए थे वही MOU इन्होंने दोबारा भी सिग्नेचर किए, लेकिन 4 साल की अवधि बीत गई और उसमें से 1 रुपए का भी रोजगार या कोई इंडस्ट्री नहीं ला सकी। इज ऑन डूइंग बिजनेस का जो चेहरा ये दिखाते हैं हिना जी, कि जिसमें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 2 नंबर, आप क्यों नहीं साफ बताना चाहते हैं कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एक मानक है केंद्र सरकार का। कपिल जी, ये तो आप कह रहे हैं, आजकल चौराहों चौराहों पर मिशन रोजगार के पोस्टर देख रहे हैं हम सब। देखिए, ये तो बहुत अच्छी है कि मुद्दों की राजनीति होने लगी, इससे अच्छी बात क्या है सर। हम तो बधाई देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि कम से कम उन्हें अब जब से ये इलेक्शन करीब आने लगा है और उनकी लुटिया दिखती हुई नजर आ रही है, तब से बेरोजगारों के चेहरे उनके सामने नाचने लगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अच्छे 6 महीने 8 महीने पहले योगी जी ने तो कहा था कि इस प्रदेश में सरकारी नौकरियों का कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ योग्य लोगों का अभाव है, ये कहा था हमारी जनता के लिए। और आप सोचिए कि जिन अयोग्य लोगों ने मिलकर के एक योग्य सरकार चुन ली, उस योग्य व्यक्ति के द्वारा अपनी जनता को अयोग्य करार दे करके मान मर्दन किया गया उत्तर प्रदेश के नौयुवकों का। ये बहुत ही अजीब किस्म की चीज है। जैसे राम नाइक साहब जो हमारे राज्यपाल थे, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी,
तो उन्होंने भी ये प्रत्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों और नौजवानों के लिए किया था कि उत्तर प्रदेश के लोग तो केवल बाहर जाकर के गुजरात में झाड़ू पोछा लगाते हैं और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके। 2016-2017 के बीच में दिया गया ये। सत्येन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीति, अगर रोजगार दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है जी। सत्येन जी जुड़े हुए हमारे साथ, राजनीति को करीब से देखते हैं। सत्येन जी, जिस तरीके से एफआईआर का सिलसिला चला और अखिलेश यादव के ऊपर एफआईआर हुई, जिसके बाद एक और सियासी भूचाल देखने को मिला, आज तो राजधानी में एक बड़ा पोस्टर भी देखने को मिला, क्या लगता है कि ये एफआईआर का जो सिलसिला चला है, क्या आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रचार प्रसार करना चाह रही है उस पर कहीं अंकुश लगेगा या ये और तेजी से चलेगा? सत्येन जी देखिए, ये तो प्रशासन एक अपने तरह से प्रयास करता है कि जब भी इस तरह की कोई आवाज उठे तो उसको एक अच्छे से काउंटर करें, और समाजवादी पार्टी भी अपने जोश के साथ में भी लगी हुई है कि वो भी काउंटर मैकेनिज्म पे सरकार को घेरने का प्रयास करें। जैसे एक बड़ा सा पोस्टर लगा था योगी साहब के फोटोग्राफ के साथ में, भी एक के बाद FIR हो जाती है, केस चलता है, दूसरे के ऊपर नहीं चलता है। तो ये बिल्कुल ये ताना बाना और इस तरह की कवायदें चलती रहेंगी जब तक ये इलेक्शन चलते रहेंगे। सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से यूज करेगी और ऑब्वियसली जब FIR होती है तो कोई ना कोई उसके पीछे कानूनी धाराएं लगाई जाती है, गिरफ्तारियां डेफिनेटली नहीं की जाती हैं, लेकिन हाँ अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो ऑब्वियसली उसके काउंटर मैकेनिज्म जो है वो दूसरी पार्टी लगाएगी, समाजवादी पार्टी भी इसके ऊपर करेगी। और ये एक बहुत अच्छा कारण बनता है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहां से एक्टिव हो जाएंगे और वो इसके साथ में एकजुटता दिखाएंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए ही अल्टीमेटली एक अच्छा कारक बनता है, उनके लिए फेवर में ही ये बात जाएगी अगर सरकार के साथ कोई एक्शन देती है और गिरफ्तारी की बात करती है। तो ये चीज देखिएगा। और दूसरी बात जैसे अभी हमारे एक मित्र जो समाजवादी पार्टी के हैं वो कह रहे थे, आप ये देखिएगा कि जितनी भी आप यहाँ पे बात करें, जैसे जब से आजम खान साहब गिरफ्तार हुए थे और आप सोशल मीडिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो उस टाइम पे जब ये गिरफ्तारी हुई थी तो कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि अखिलेश यादव या बाकी जो उनके और लोग हैं उनकी बहुत समय तक छुट्टी वहां पे बनी रही थी, तो आजम खान समर्थकों ने काफी मुहिम चलाई, लेकिन जहां पे जब ये समाजवादी पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं की छुट्टी जब महसूस की गई तो उसका काफी उन्होंने सोशल मीडिया पर मजम्मत भी करी, बहुत उसकी शिकायतें भी करी गई, तो बाद में ये हुआ कि हाँ अभी एक बहुत उचित वक्त आ गया है जहां तक अखिलेश यादव जो आदम समर्थक हैं उनको इस वक्त आने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए डेफिनेटली, जिसमें इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, कपीश जी कुछ कहना चाहते हैं? कपीश जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना दे रही है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपके सामने जिस समय हमारी पार्टी ने, क्योंकि आपका आपकी टीवी हमको बोलने का अवसर दे रही है इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कम से कम हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला। रामपुर के अंदर जिस समय इस होटल के अंदर ये प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज की गई थी, उस प्रेस वार्ता के समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि आवाज आपको मिल रही है मेरी? जी 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 बोले, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी आवाज मिल रही है। कट गया है, आवाज मिल रही है अब? कपिल जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, कंटिन्यू करिए। आवाज मिल रही है आपको? कपिल जी आपकी जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, बोलिए। चलिए कपिश जी को जब तक दोबारा जोड़ते हैं उनको फिर मौका देंगे कि वो अपनी बात पूरी कर पाए। फहीम हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, एक सवाल आपसे बस लेना चाहूंगी मैं। रामपुर में जिस तरीके से साइकिल रैली निकाली गई और अखिलेश यादव वहां पहुंचे और अखिलेश यादव वहां पहुंच के उन्होंने पूरे दमखम के साथ समर्थन दिखाया आजम खान के लिए, ऐसे में रामपुर का चुनावी माहौल इस वक्त किस तरीके का देखने को मिल रहा है, अपडेट लेना चाहेंगे आपसे? इस वक्त आपकी आवाज भी कट रही है, सवाल मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जहां तक आजम खान और अखिलेश यादव का सवाल है ये मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं। 12 तारीख का जो ऐलान था
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कि वो साइकिल यात्रा निकालेंगे और आजम खां और आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएंगे और 2022 में सपा की सरकार भी बनाएंगे। तो साइकिल यानी कि बाइसिकल 2022 का जो मिशन था वो रामपुर से शुरू हुआ और शुरू होने में उसको काफी वक्त लगा था, क्योंकि इससे पहले जो अखिलेश यादव यहाँ एक डेढ़ महीना पहले आए थे तो उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वायदा किया था कि वो आजम खां को बचाएंगे, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएंगे और इसके लिए अगर उन्हें साइकिल भी चलाना पड़े तो वो साइकिल भी चलाएंगे। तो अपने इसी वादे पे खरा उतरते हुए उन्होंने साइकिल की शुरुआत की और शुरुआत में उन्होंने अपने जो एमपी और एमएलए थे उनके साथ 11 किलोमीटर की साइकिल चलाकर ये संदेश दिया कि वो आजम खां के साथ है और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। और उन्होंने बार बार यही बात दोहराई कि यहीं से होके निकलेगा सरकार बनाने का रास्ता, यानी कि जो 2022 का चुनाव की रणनीति जीतने वाली है वो रामपुर से शुरू हुई है और वो रामपुर से शुरुआत अखिलेश यादव ने कर दी, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की शुरुआत, आजम खां को बचाने की शुरुआत और 2022 में सपा की सरकार बनाने की शुरुआत रामपुर से हुई, जो कि रामपुर से होने के बाद में प्रदेश के सभी जिलों में होगी, कासगंज में हुई और जिलों में हुई। और इसके साथ साथ 21 तारीख को इस साइकिल जो रैली है ये इसका समापन होगा लखनऊ में। लेकिन प्रदेश के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने संदेश दिया है, हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू उनकी गिरफ्तारी के बाद जैसे कांग्रेस आक्रोशित हुई थी और वो सड़कों पे आई थी, अगर आजम खां के मामले में भी समाजवादी पार्टी सड़कों पे आई होती तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते, हो सकता है कि इसका दूसरा रूप होता, ये मेरी अपनी समझ है। और ये भी हो सकता है कि अदालती मामले हैं वो कैसे निपटेंगे। चलिए चलिए कपिल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? कपिल जी आप कुछ कह रहे थे उसको कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी एक बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना तुरंत बाद होती, उसको कहीं से सहारा नहीं जा सकता है, सामंजस्य का भी अभाव इसमें कहीं दूर है, परिस्थिति मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए हम लोगों ने वार्ता आई थी वार्ता खत्म हो गई सारे 10 मिनट जो और सुरक्षा ये समाजवादी पार्टी एक बात कहती है कि कम से कम देखिए संविधान में इस देश के एक एक नागरिक को प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, साथ ही साथ निजता दिया, खत्म हो गई तो वो कौन सा एक ऐसा नागरिक बन गया कि जिन्होंने पूछा और आप सुरक्षा घेरे के पूछना चाह रहे थे, यानी सुरक्षा घेरे में सेंध लगा रहे थे, दो दो प्रधानमंत्री हमारे इस देश ने खोए हैं इसी सुरक्षा घेरे के तोड़े जाने की वजह से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके सुरक्षा घेरे को मीडिया ने तोड़ा, लेकिन कोई भी असामाजिक तत्व अगर वहां पर मौजूद हो तो वो उसका लाभ उठा सकता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी हो। तो जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बचाव में उन्हें पुश किया था, लेकिन कहीं ना कहीं से षड्यंत्र के वो शिकार थे। और मिस्टर तोमर के पास मैं साफ साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं और बाकायदा उनकी फोटो हम लोगों के पास है और उनके ऊपर भी क्रिमिनल मुकदमे पहले से मौजूद है जिन्होंने यह घटना की। और मैं एक बात कह दूं, पराशर साहब ने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमे लगाए उसके अंदर जो FIR दर्ज की गई वो 147, 342 और 323 IPC का है, जिसमें कि सिर्फ एक वर्ष की सजा है और 147 लगने के वजह से FIR हुई, वरना वो NCR होती। उसके कंटेंट्स ही इतने वीक हैं जिसमें कि पीड़ित जो जिनको मार पिटाई की बात की जाती है कि जिन पत्रकारों की हुई उनका नाम पिता का नाम और पता भी नहीं है, ये कैसी FIR दर्ज कराएगी कि जिसमें पीड़ित का नाम ही नहीं है। तो जो पराशर साहब ने कराया वो बतावे पराशर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का षड्यंत्र रचा। मैं पढ़ रही थी
क्रॉस एफआईआर भी तो कराई गई है आप लोगों के द्वारा? हमारे यहाँ पे हम तो हमारे हमारी पार्टी ने पहले ही एफआईआर दर्ज कराई, ये क्रॉस है, इसमें तो एग्रेसर साबित होगा। बहुत सीधी सी बात, क्योंकि मैं वकील हूं इसलिए मैं चीजों को कह रहा हूं। वादी तो प्रथम हम ही हैं, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष साहब, क्योंकि सुरक्षा घेरे में सेंध लगाना, एक इतने बड़े नेता के जान को खतरा उत्पन्न कर देना, यह बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो क्रॉस हमारे पे किया है उसमें मैंने आपको बताया कि पीड़ित का नाम तक नहीं है कि आखिर कौन किसकी मारपिटाई हुई थी, वो कौन लोग थे जो घायल हुए। तो ये जो एक एसेंशियल तत्व होता है एफआईआर का वही नहीं है, ये तो एफआईआर ही क्वैश वाली है। चलिए बिल्कुल, आपने अपनी बात दर्शकों के समक्ष रख दी, समय मेरे पास थोड़ा कम है। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका, सत्येन जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फहीम आपका भी जुड़ने के लिए। तो 2022 में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पलटेगी या उसी रफ्तार से चलती रहेगी जिससे पिछले 4 साल चली, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम पार्टियां जो हैं वो इसमें पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और चुनाव की तैयारियां पूरी तो नहीं लेकिन शुरू हो चुकी हैं और कमर कस ली है तमाम पार्टियों ने, जिसमें एक उदाहरण ये था कि रामपुर से साइकिल यात्रा निकाली गई जो अखिलेश यादव ने निकाली और 21 तारीख को इसका समापन होगा। देखना ये होगा कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव लेकर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।